हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल्स में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज वीडियो थोड़े बड़े दिनों के बाद बन रही है, तो आज हम सीखेंगे कलर, CSS में कलर करना, फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड कलर। सेकंड तरीके से एक तरीके से हमने सीख लिया जो आपको पिछली वीडियो में आप बता चुका हूँ, आज सेकंड टाइप है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने अब तक हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा वही विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो मैं हमारी एक एक काम करता हूँ, न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है, ये न्यू फाइल ले ली मैंने। तो पहला टैग हमारा वही HTML, अगला हमारा हेड। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसे jr.html में सेव कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो ये मैंने सेव कर दिया इसे डेस्कटॉप पे, हेड हो गया। अब हेड को मैं यहीं पर बंद कर देता हूँ। ये हेड मेरा बंद भी हो चुका है। अब हमारी बात आती है बॉडी की। तो ये बॉडी हो चुकी है मेरी, ओपन और क्लोज भी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम हेडिंग के ऊपर, H1 जो हमारी हेडिंग रहेगी उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो ये मैंने H1 लिखा, कुछ नहीं करना है, इतना H1 लिखा आपने। फिर वही, इसके बाद आपको यहीं पे इसमें स्टाइल टैग लगाना है। ये स्टाइल लिखा, फिर ये डबल कोटेशन में हमें क्या करना है, कलर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कलर। अब कलर कौन सा करना है आपको फ़ॉन्ट को, तो मैंने मान लीजिए दे दिया ये वाला कलर, ब्रोल वेट। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ पर इस तरह से बंद करना है। अब यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है उसे लिखना है। तो मैंने लिख दिया यहाँ, दिस इज माई फर्स्ट हेडिंग, HEADING। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो चुका है, इतना मेरा कवर हो गया है। तो मैं यहाँ HTML को भी बंद कर देता हूँ। ये मेरा HTML भी बंद हो गया है। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये कलर कैसे हुआ है। तो हमारे नाम से क्या सेव हुआ है, jr.html। तो ये आ चुकी है हमारी फाइल नीचे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगला हम यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर करके दिखाते हैं कि आपको बैकग्राउंड कलर कैसे कर सकते हो। तो बैकग्राउंड कलर का ही में होता है बॉडी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही जो आपका फॉर्मूला है इसे यहाँ पर आपको बॉडी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको आना है बॉडी के, यहाँ पर ये बॉडी में आ गया हूँ मैं। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी लिखना है स्टाइल, HTYL स्टाइल। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बैकग्राउंड कलर देना है, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में कलर देना है। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड कलर, अब बैकग्राउंड कलर में मुझे कौन सा कलर देना है, तो मान लीजिए मुझे क्रिसमसोन देना है। ठीक है, तो ये हमारा कलर हो चुका है। अब इसे हमें कुछ नहीं करना है, आपको सेव करके इसे भी दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए हमारी साइट, अब इसे लोड करता हूँ, ये कलर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे कैसे ही सेम पैराग्राफ में भी होगा, जितनी हेडिंग होगी उसी के साथ आपको कलर का ये वाला सिंटेक्स हमारा आपको अप्लाई करना होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सीखे होंगे कुछ और आपको वीडियो समझ भी आई होगी। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।